मार जेवडे मार 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 जेवडे मार काय रे राजा अरे जोडू सर मैदान में तुमको बुलाया ऑफिस पे ठीक है ठीक है आ राजा मैडम आपने बुलाया छोटू सर आपकी कंप्लेंट आई है आप बच्चों पे कम और मोबाइल पे ज्यादा ध्यान देते हो अरे एकदम झूठ बातें हो मैडम अरे मैं एकदम ईमानदारी से बच्चों की ट्रेनिंग करता अरे तुम कब भी ग्राउंड पे आके चेक कर सकते हो ठीक है छोटू सर आप जा सकते हो आइंदा आपके बारे में कोई कंप्लेंट आनी नहीं चाहिए ठीक है मैडम गुंडी बहुत दिन से अपन कहीं घूमने नहीं गए अगले संडे को चलती क्या देख छोटू अपन स्कूल के बाहर फ्रेंड है ये बातें स्कूल में नहीं होनी चाहिए अरे तो अपन स्कूल के बाहर ही घूमने जाएंगे स्कूल के अंदर थोड़ी घूमेंगे ठीक है कोई बात नहीं मेरे को फोन करके बता देना चल जाता मैं दो बलन क्या बात है तुम सब गाँव वाले क्यों जमा हो गए छोटू सर ये पहलवान है ना तुम्हारी मिलिट्री स्कूल में मिलिट्री की ट्रेनिंग लेने आया और मेरे साथ साथ ये गांव वाले भी आए मिलिट्री की ट्रेनिंग लेने पहलवान तुम और ये सब गांव वाले ट्रेनिंग लेके क्या करेंगे छोटू सर हम इसलिए मिलिट्री की ट्रेनिंग लेना चाहते कि वक्त बदलने पर हम भी देश के काम आ सके बताओ ताली ठीक है मैं तुम सबको ट्रेनिंग दूंगा लेकिन तुम सब मिलिट्री के कपड़े पहन जाना लेकिन छोटू सर ये बच्चों का मिलिट्री स्कूल है यहाँ पे डंगरों को ट्रेनिंग नहीं दे सकते मगर मैडम आजकल जैसे हर गांव में डंगरी स्कूल होती है वैसे ही हम डंगरों का मिलिट्री स्कूल खोल लेते हैं वैसे ही हमारे गांव का नाम रोशन हो जाएगा ठीक है छोटू सर आप ट्रेनिंग दे सकते हो पर स्कूल छूटने के बाद थैंक यू मैडम अच्छा तो तुम जब ये बताओ तुम मिलिट्री की ट्रेनिंग लेके क्या करेंगे मैं नंदू सबको नंदू मैं दुश्मन के घर में कूद के ईट से ईट बजा दूंगा पहले तू ढोल बजाता था क्या आते ही बजाने की बात कर रहा ए, तू बता रहे बादशाह दुश्मन की शहरत तक अकेला जाऊंगा अकेला हर कोई दुनिया में अकेला ही है और अकेला ही जाएगा और बोलो बादशाह मैं अब शुरुआत तो एकदम फकीर के जैसी है तेरी बलन तू बता रहे ये पहलवान है ना प्लेन उड़ा के लेके जाएगा और दुश्मन पे बमबारी करेगा बमबारी अबे पहलवान टू व्हीलर का लाइसेंस है क्या तेरे पास और प्लेन उड़ाने की बात कर रहा चलो ठीक है अब मैं तुम लोगों की ट्रेनिंग शुरू करता विश्राम सावधान विश्राम सावधान विश्राम सावधान एक दो अरे मेजर इनको समझा रहे तो खून खराब हो जाएगा ओह नो एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार एनर्जी क्या सला मेरे मत्ते भी चाइना गेट की टीम आ गए ले चले जल्दी
गुंडी मैडम, आपने जो डंगरा मिलिट्री स्कूल चालू किया है, ये किसका आइडिया था? सर जी, मुझे ये छोटू सर ने बताया था कि डंगरी मिलिट्री स्कूल खोलो ऐसा। अरे ये आइडिया मेरा थोड़ी था, ये आइडिया तो मुझे पहलवान ने दिया था। ये आइडिया किसी का भी हो, मगर आइडिया बहुत अच्छा था और मैंने तुम्हारे डंगरा मिलिट्री स्कूल के लिए ग्रांट मंजूर करवा ली है। हाँ, हेलो। अरे क्या बात है जालू, अभी मैं तुमको ही बोल लगाने वाला था, एक खुशखबरी है। हाँ, खुशखबरी? जल्दी बताओ ना जानू, प्लीज। अरे मेरी दिवाली की छुट्टी हेडक्वार्टर ने मंजूर कर ली। अरे मैं आ रहा हूँ, दिवाली साथ में मनाएंगे। सच्ची? अरे मुच्ची। जानू मैं ऐसी तैयारी करूँगी ना, अब देखते रह जाओगे। जरा पिताजी को फोन देना। वो पिताजी मार्केट गए हुए। अच्छा, पिताजी मार्केट गए? उनके आने के बाद उनको ये खुशखबरी देना। चल रखता हूँ, लव यू जान। तुम्हें भी मेजर साहब, लव यू टू। और पीके, बड़ा गबरू जवान दिख रहा बा तू, इससे पहले पोस्टिंग कहाँ थी तेरी? पहले मैं राजस्थान बॉर्डर पे पोस्टिंग थी मेरी, अभी तो हफ्ता पहले यहाँ पर ट्रांसफर हुआ। ओए की फरक पंदा, ड्यूटी कितने भी हो, देश की रक्षा से मतबल हो। ये बात तो सही है। वैसे अपने छोटू मेजर साहब जो है वो कड़क आदमी है क्या? नहीं नहीं, अपने मेजर साहब सोना है सोना, क्यों पहलवान जी? हाँ, बड़े अच्छे स्वभाव के, प्यार करे बेधड़क और ड्यूटी करे एकदम कड़क। बोले तो मूर्ति लहान कीर्ति महान। ओ 10 साल से अपने घर दिवाली नहीं मनाई, मगर माथे बीच बल नहीं आया मेजर साहब नु। अच्छा, 10 साल से मेजर साहब अपने घर नहीं गए? अरे गए, मगर दिवाली के मौके पर इमरजेंसी आ जाती, इसलिए उनकी दिवाली की छुट्टी कैंसिल हो जाती। अच्छा, तो ऐसी बात है। वो देखो मेजर साहब इधर ही आ रहे। सादत, विक्रम, देश के बहादुर जवानों, सब ठीक है? यस सर। गुड, देखो हेडक्वार्टर ने मेरी दिवाली की छुट्टी मंजूर कर ली, मेरे बाद कमान पहलवान जी संभालेंगे। ओके। यस सर। सर, पिताजी से मेरा नमस्ते कहना। लेकिन सर, हम दिवाली पे आपको बहुत मिस करेंगे। थैंक्स, और जब तक के मैं ना आऊं, देश की रक्षा में सतर्क रहना। क्लियर? यस सर। सर, घर वालों बीच दिवाली ना मजा डबल आंदा है। हैप्पी दिवाली। मेरी शुभ इच्छा आपके साथ है सर। वैसे आपके घर में और कौन कौन है? मेरी बीवी और मेरे पिताजी। अब तीसरा मैं जा रहा हूँ, 5 दिन के बाद मुझे जाना है, दुश्मनों पर नजर रखना। ठीक? यस सर। साधन, लैंटर। और पीके, शादी उदी होगी कि नहीं? क्या अभी भी कुंवार रही है? अरे पहलवान जी, अभी सिर्फ मंगनी हुई, 6 महीने बाद शादी है। ओ, हो जाएगी फिर तन्ने, डबल टेंशन, ड्यूटी का भी टेंशन और बीवी का। है ना, सही बोला ना पहलवान? सही बोला रे बाबा। अच्छा पीके, ये बता तेरी होने वाली बीवी कैसी है रे? अरे क्या बताऊँ यारो, लाखों में एक है, सूरत तो इतनी प्यारी जैसे चश्मे बद्दू। ओ तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, बल्ले बल्ले बल्ले, चश्मे बद्दू। ओए बलवीरे, फिर हो जाए भंगड़ा संगड़ा। ओए भंगड़ा संगड़ा तो होता रहेगा, मैं तुम सब लोगों को एक बात बता दूं, अपने छोटू मेजर है ना, वो संडे को अपने घर जा रहे हैं, हम सब लोगों को उनको विदाई करने जाना है। लेकिन मैं नहीं जाऊंगा मेजर साहब को विदा करने। क्यों, तेरे को खुशी नहीं क्या? अरे मेजर साहब जा रहे हैं, उसकी खुशी तो है, लेकिन ना दुख भी बहुत है मुझे उसका। ओए ठीक है यार, दुख किस बात का होंदा? पहलवान जी, तुम उनके जाने से खुश नहीं है? अरे ये बात नहीं है पीके, मेजर साहब के सिवा तो दुनिया में मेरा कोई है भी नहीं। मेजर साहब मुझे अपना भाई मानते और उनके हाथों से दिवाली पे मेरा मुंह मीठा करते हो,
उनके बगैर मेरी ये दिवाली तो एकदम फीकी फीकी लगेगी। ओए की गल है यार, तू फौजी जवान है, जरा दिल कड़ा कर, याद तो मैनू भी आएगी मेजर साहब दी। अरे मेजर साहब तो हम सबको बहुत लाड़ प्यार करते हैं। आंसू तो मेरी आंखों में भी है, मगर ये खुशी के आंसू है। हेलो हेलो चानू, आपकी तैयारी हो गई ना संडे आने की? सॉरी जानू, इस बार मेरे को माफ कर दे, हेडक्वार्टर ने ना मेरी छुट्टी कैंसिल कर दी। हेलो हेलो जानू, हेलो। अरे पीके, मेरी ना बचपने से ख्वाहिश थी कि मैं देश के वास्ते जान दे दूं। ओए पहलवान जी, एक दुख भरी खबर है। हैं? दुख भरी खबर? क्या हो गया? वो क्या है ना, छोटू मेजर साहब की छुट्टी कैंसिल कर दी गई। हैं? अभी तो देश के हालात भी अच्छे और वातावरण भी नॉर्मल है, फिर क्यों छुट्टी कैंसिल कर दी गई? ठीक है, ठीक कहता है। हाँ अब समझा मैं। क्या समझा? अरे ये छुट्टी हेडक्वार्टर से कैंसिल नहीं हुई होंगी, ये छोटू मेजर साहब ने खुद कैंसिल कराए होंगे। लेकिन मेजर साहब ऐसा क्यों करेंगे? ओए पीके, तू अभी नवा नवा भर्ती हुआ है, छोटू मेजर के कमांड में रहेगा तो धीरे धीरे तेरे सब समझ में आवेगा। क्यों पहलवान, सही कहा ना मैंने? अरे पीके, ये छोटू मेजर है ना बहुत ऊंची चीज है, इसलिए ना हम उनको अपना आइडियल मानते हैं। लगता ना हमें कुछ करना ही पड़ेगा। अरे करना क्या है, चलो चल के उनको मनाते। ओए चिकना खड़ा है छोटू साहब जी, जिद्दी है, नहीं मानेंगे। अब मैं भी नहीं मानूंगा बलबीरे, अब मिशन पहलवान शुरू हो जाएगा। ओए पहलवान जी, कितने अटैक नहीं तैयारी है? ये मिशन सीक्रेट है। हेलो सर। हाँ सर आइए आइए, हम सब यहीं पर इंतजार कर रहे हैं आपका। वेलकम सर, मेजर साहब यहीं आ रहे। वो आ गए। स्कॉट सावधान। जानो हैप्पी दिवाली, सबको दिवाली की शुभकामनाएं। सावधान पहलवान। यस सर। अमर सिंह। यस सर। बलबीर सिंह। यस सर। पीके। यस सर। सर आपको तो सात तोपों की सलामी देने का मन करता है। देश का हर जवान सात तोपों के बराबर है, समझे पहलवान जी? तुसी ग्रेट हो सर जी, कसम वाहेगुरु जी। सर मुझे भी फख्र है कि मैं आपकी कमांड में हूँ। क्या बात है, आज आप लोग बहुत इमोशनल दिखाई दे रहे हो। सर दिवाली की खुशी में आज आपने हमारी आंखें भिगो दी। खुशी के मौके पे आंख में आंसू अच्छे नहीं। सर हमारी खुशी के लिए आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। कुर्बानी? कैसी कुर्बानी? सर जी आपने हमारी मोहब्बत में अपनी दिवाली की छुट्टी कैंसिल करवा ली। सर जी आप ग्रेट हो। हाँ ये किसने कहा आपसे? सर हेडक्वार्टर से हमने इंक्वायरी की तो पता चला आपने खुद हमारे साथ दिवाली की खुशियाँ मनाने के लिए ये सब किया। सर हम आपकी कुर्बानी बर्बाद नहीं जाने देंगे। अरे ये खुशी के मौके पे ये क्या है कुर्बानी ये वो? अरे सर जी दिवाली की खुशियों को दोबारा करने के लिए हम आपको एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहते हैं। मेजर सर अपनी आंखें बंद करो। सर अब आप अपनी आंखें धीरे धीरे खोलिए। बापू गुंडी आप लोग, बापू हैप्पी दिवाली। गुंडी आप लोग यहाँ, मैं आप लोग को बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ, पर ये सब कैसे हुआ? ये सब ये पहलवान भैया ने किया। अरे इन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर से परमिशन लेकर हम लोगों को यहाँ आने का स्पेशल इंतजाम किया ताकि हम सब मिलके साथ में दिवाली मनाएं। अच्छा तो ये बात है।